गुस्सा, प्यार और बदला। न मैं आंखें लिए एक नई कंपनी के ऑफिस में, शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का लड़का। शहर की लड़कियां मरती थी, लुक में वह किसी राजकुमार या हीरो से कम नहीं है। आज बहुत उदास एक नई कंपनी के ऑफिस में पिछले 3 घंटे से एक मुलाकात के लिए बेचैन बैठा था। हर 15 मिनट में रिसेप्शन पर बैठी लड़की से बार बार पूछ रहा है कि क्या सर फ्री हुए, क्या सर फ्री हो गए। जिसकी तनख्वाह उसके ड्राइवर से भी कम थी, आज वह रिसेप्शनिस्ट उस लड़के पर चिल्ला कर बोली, आप अपनी जगह पर शांत बैठें, जब वक्त आएगा मैं आपको बता दूंगी। ऐसा पहली बार हुआ कि रोहित राय इतना बड़ा आदमी नौकरों की बात सुन रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि रोहित राय की कंपनी दिवालिया होने वाली थी और उसको सारी उम्मीद इस नई कंपनी के मालिक से थी। शायद यह कंपनी का मालिक उसको दिवालिया होने से बचा ले। 3 से 4 घंटे बैठने इंतजार के बाद रिसेप्शनिस्ट उससे बोलती है, अब आप मैडम के कैबिन में जा सकते हैं। बस के तक जाने से पहले रोहित को यह तो पता चल गया कि इस कंपनी का बॉस कोई लड़की लड़का नहीं, बल्कि केबिन में पहुंच कर रोहित जब बॉस को देखता है तो दंग रह जाता है और कहता है, तुम और इस कंपनी के बॉस हो या यह हो ही नहीं सकता। जाओ, जाकर बॉस को बुलाओ। क्यों, मैं तुमको बॉस नहीं लगती, और अगर ऐसा है तो तुम जा सकते हो। नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था श्रुति, तुमको मेरी हालत का अंदाज़ा नहीं है, मैं किस हाल में हूँ। तुम अपनी जवान से मेरा नाम मत लो। मैडम कहो मुझे, नहीं तो धक्के मार कर ऑफिस से निकलवा दूंगी। सॉरी मैम, अब ऐसी गलती नहीं होगी, रोहित ने जिल्लत भरी आवाज़ में बोला। श्रुतु, मुझे तुम्हारी और तुम्हारी कंपनी की सारी जानकारी है, जाओ अपने बाप से कह दो, तुमको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो सब हुआ मैंने ही किया है, यह बदला मुझे धोखा देने का। कैसा धोखा, रोहित ने नम आंखों से कहा। भूल गए तुम और तुम्हारे बाप ने मुझे कैसे ठोकर मार भगाया था। तुम्हारे बाप ने तो मुझे गंदा खून तक कहा था। मेरे पूरे परिवार को आधी रात में घर छोड़कर जाना पड़ा। इतना सब करके तुम भूल गए सब, यह तुम क्या कर रही हो। श्रीतु, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो चाह कर भी उस दिन अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। बस इतनी सी बात, क्या तुमको नहीं पता क्या हुआ था उस दिन। मैं अपना सारा घर बार छोड़कर अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा कर तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बसाने आती थी। मैंने 4 घंटे इंतज़ार किया, उस रात का आंधी तूफान भी मुझे तुम्हारे पास आने से नहीं रोक सका। उस तेज बारिश में 4 घंटे खड़े खड़े मैंने अपने अरमानों को जलते देखा। तुम्हारे बाप ने धमकी दी, अगर मैं यह शहर छोड़कर नहीं गई तो मेरी छोटी बहन कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तुम्हारा बाप 20 लोगों के साथ मेरे घर पर आया और मेरा घर जलाकर, और तुमको कुछ भी नहीं पता। कैसे मैं आधी रात को अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर भागी, कैसे मेहनत मजदूरी कर मैंने अपने परिवार को पाला, छोटी बहन को पढ़ाया। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम, तुम्हें कैसे मालूम होगा, तुम तो अपने महल में आराम से सो रहे होंगे। तुम तो सबसे रईस बाप की औलाद जिसको गंदी लड़की से प्यार हो गया था। यह क्या कह रही हो तुम, तुम्हारे साथ सच में यह सब हुआ तो आज से मैं अपने बाप की सब शक्ल तक नहीं देखूंगा। उस रात मेरे साथ क्या हुआ क्या तुमको नहीं पता। जब मैं तुमसे मिलने आ रही थी तब मेरे पिता ने मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम देकर रोक दिया। मैं चाह कर भी उस दिन तुमसे मिलने नहीं आ पाया। तुमको पता है आज तक मैंने अपने पिता से बात नहीं की। तुमको मालूम नहीं मैंने कितनी कोशिश की तुमको ढूंढने की, कितनी बार मैंने अखबारों में छपवाया। तुमने तो पढ़ा होगा रोहित, इंटरनेट से कुछ पेपर की कटिंग निकाल ऋतु को दिखाया। यह सब एक एक देख कर ऋतु के पैर तले से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि गुस्से में जिस आदमी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रही थी और यह सोचकर उसने पिछले 10 साल गुजारे कि रोहित ने उसको धोखा दिया,
आज वह गुस्सा यह सच समझ नहीं पा रहा था। दोनों एक दूसरे से लिपट कर जोर जोर से रोने लगे और दोनों अपने अतीत को याद करने लगे। दोनों की आंखें से आ रहे थे। 10 साल पहले से ऋतु रोहित के ऑफिस में काम करने के लिए आई थी। बिजनेस में बहुत होशियार एक सीधी सी लड़की जिसको अपने मालिक के लड़के से प्यार हो जाता है। रोहित भी ऋतु से बहुत प्यार करता है। दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए राजी हो गए थे हो जाते हैं, पर यह बात रोहित के पिता तक चल जाती है। रोहित और ऋतु दोनों भागकर शादी करने की तैयारी कर लेते हैं। उस रात रोहित के पिता उसको घर पर रोक लेते हैं। ऋतु के घर में आग लगाकर उसको शहर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। दूसरे शहर में दर दर की ठोकर खाकर बड़ी हुई ऋतु आज एक बड़ी कंपनी की मालिक बन जाती है। वह रोहित की कंपनी को जब चाहे तब मसल कर रख सकती है। उस बात का बदला लेने के लिए ऋतु वापस उस शहर आई थी, पर जब उसको रोहित के प्यार और सच्चाई का पता चला तो वह उसे गले लगाकर रोने लगी। रोहित ऋतु को लेकर गुस्से में अपने घर जाता है और चिल्ला कर अपने पिता को बुलाता है और कहता है, देखो तुमने क्या किया है। रोहित के पिता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इतने दिन बाद रोहित ने उनसे बात की, गुस्से में ही की। रोहित के पिता हाथ जोड़कर रोहित से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे तो पता था यह एक ना एक दिन ज़रूर होगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बेटा, पर एक बार यह ज़रूर जान लो मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे नहीं सुनना, अपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। रोहित बोला, ऋतु कहती है मैं एक बार ज़रूर सुनूंगी, आखिर मेरे घर जलाने की क्या वजह है। रोते हुए रोहित के पिता बोले, तुमको पता है तुम्हारी माँ और मेरी लव मैरिज थी, हम दोनों भी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। मेरे पिता ने तुम्हारी माँ की और मेरी कुंडली एक बड़े पंडित को दिखलाए और उन्होंने ये भविष्यवाणी की, अगर ये शादी होगी तो तुम्हारी माँ की जान जल्दी चले जाएगी। पर हम दोनों इन सब में भरोसा नहीं था, पर तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं ये नहीं चाहता था कि तुम दोनों के साथ भी ऐसा हो। जब मुझे पता चला तुम और ऋतु एक दूसरे को प्यार करते हो तो तुम दोनों की कुंडली उसी पंडित को दिखाई और उसने तुम दोनों के बारे में वही बात कही जिस दुख में मैं जी रहा हूँ। वही तुम लोगों को ना मिले इसलिए मैंने ये सब किया। पर क्या तुमको पता है ऋतु की कंपनी इतनी बड़ी कैसी हुई हो गई? यह अज्ञात डोनर कोड है जिसने तुम्हारी कंपनी में इतना सारा पैसा लगाया हुआ मैं हूँ। क्या आप ऋतु के पहले तले से ज़मीन निकल गई? मैं अपनी गलती का भुगतान जैसे मैं कर सकता था मैंने किया। फिर मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। तीनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। आज सबकी ज़िंदगी से सारे गुस्से और गलतफहमी का बोझ उतर गया। ऋतु और रोहित ने कुंडली निदान करवा कर शादी कर ली और सब खुशी खुशी रहने लगे।